इस पोस्टर को देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या आप भी आहत हुई थी? क्या आपको लगा था कि जानबूझकर यह किया जा रहा है? क्या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए? मतलब समझ से परे है कि एक ऐसे वक्त पर जब पहले यह मुद्दा छाया हुआ है, लोगों की जान जा रही है, ऐसे में उन्होंने ये डाला है। खुशबू जी, अंजना जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब आप एक फिल्म मेकर हो, जब आपके पास एक लिबर्टी हो, तो उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और ये जो लीना मणि मेघले ने जो पोस्टर रिलीज किया है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे देश में, हमारे मुल्क में एक गलत मैसेज ना फैले। ये जो फिल्म है, इसको दूसरे ढंग से भी पेश किया जा सकता था, लेकिन ये जो एक पोस्टर बनाया गया है, ये तो बिल्कुल जाहिर होता है कि सिर्फ एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही ये बनाया गया है कि हम जैसे लोग यहाँ बैठ के उसके बारे में बातचीत करें। सो दैट जो अटेंशन आज लीना मणि मेघले को मिल रहा है, वो चाहती थी कि वो अटेंशन उनको मिले, और उसमें कहीं शायद वो कामयाब हुई है। लेकिन वो गैर जिम्मेदाराना हरकत से ये नहीं समझती कि आज हमारे देश में बेफजूल की जो ये तू-तू मैं-मैं होने वाली है, या हमारे बीच जो एक मजहब को लेके, एक धर्म को लेके जो आन बान होने वाली है और एक जो टेंशन क्रिएट होने वाला है, उसको वो समझना नहीं चाहती हैं। लेकिन खुशबू जी, ऐसा ऐसा एडवांटेज नुपुर शर्मा को नहीं मिलेगा कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए बोला? वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदार, पार्टी की बिल्कुल जिम्मेदार प्रवक्ता बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल, हम क्या तो क्या एक एक फिल्म मेकर इसका एडवांटेज ले जाएगा? क्या वो नहीं, ये बोल के निकल जाएगा कि मैं तो क्रिएटिविटी की हमें आजादी है, तो हम ऐसा क्यों नहीं दिखा सकते? बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रही हूँ, क्रिएटिविटी की आजादी जो हम कहते हैं, उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो क्रिएटिविटी की आजादी के आड़ में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसके लिए हमें जिम्मेदारी के तहत हमें रहना चाहिए। ग्रेट फ्रीडम कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड यहाँ पर हम उस जिम्मेदारी से हट रहे हैं। तो वो देखते हुए ये है कि जी जो जो मतलब जिस तरह से नुपुर शर्मा जी के खिलाफ जो बातें हुई थी, वो वैसी मतलब किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें एक दायरे में रहना बहुत जरूरी है। और जब भी हम एक वो दायरे के बाहर कदम रखते हैं, उस दायरे को तोड़कर जो हमारी कुछ बेड़ियां हैं इस सोसाइटी में, उस बेड़ियों को लेके बाहर निकलते हैं, तो हम अननेसेसरली बहुत ही बेफजूल की, बेबुनियाद इस तरह की हरकतें जब करते हैं, तो हमें तकलीफ तो होती है, और साथ में जो इर्द गिर्द हमारे देश में जो लोग हैं, उनको काफी तकलीफ होती है। लेकिन मैं लीना मणि मेघले से एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि हम जो आज क्रिएटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, या वो कह रही हैं कि ये क्रिएटिव लिबर्टी है, मैं इतना ही पूछना चाहूंगी कि अगर लीना मणि मेघले या उन जैसे कोई भी अलग लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अपना हक जताने की कोशिश करते, मैं खुद कहती हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। मैं खुद उसके लिए काफी बार आपके चैनल पे ही बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जब काली माँ को रख के आप ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अगर ये और कोई माइनॉरिटी की, या तो अल्लाह या जीसस क्राइस्ट होता, आप इस तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेते? आप में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेने की हिम्मत होती? मनोजीत जा, इसका जवाब दीजिए। महुआ मोहित्रा कह रही है कि हमने काली के कई रूप देखे हैं, जिसमें हमने उनको मीट खाते हुए, हमने उनको शराब पीते हुए, ये सब स्वरूप उनका देखा हुआ है, तो क्या वो फिल्म मेकर को जस्टिफाई नहीं कर रही है? देखिए, ये उनकी एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, लेकिन ये सच है कि हमारा धर्म इसलिए सबसे अच्छे धर्म है कि इस तरह का एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, जिसे हम कहते हैं कि अवतारवाद, ईश्वर को मानव के रूप में हम देखते हैं, हम घूमते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, जैसे कि जो सबसे बड़ा, आज तक सबसे बड़ा काली का साधक है रामकृष्ण परमहंस देव, वो तो काली माँ के साथ माँ तू खा ऐसे बात करते थे, ये हम सब लेजेंड पढ़ा है। तो अगर ये देखिए, हमने किसी ने ये फिल्म नहीं देखी, अगर ये जो है आप ये बोल रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि एक अल्ट्रा मॉडर्न फैशन में जो स्मोकिंग करते हैं, पहले बात ये देखिए, अगर काली माँ माँ के रूप है, वुमेन है, एंड शी स्मोकिंग, इसीलिए आप लोगों का प्रॉब्लम है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इस देश में स्मोकिंग बैन नहीं है। अगर कोई मर्द स्मोक कर सकता है तो औरत भी स्मोक कर सकता है, सकती है, तो अगर बैन किया जाए तो वो दोनों बैन कीजिए। एलजीबीटी राइट्स लेके अगर ये बात कर रहे हैं काली माँ का रूप, तो क्या प्रॉब्लम है? एलजीबीटी राइट तो लीगल राइट है, इस देश की कोर्ट में भी दे दिया, इसमें हर्ज क्या है?
अगर ये डिलिबरेटली अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही है तो हम लोग ये की बात कर रहे हैं, वी शुड इग्नोर। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्पीकर ने कहा, अगर इनका मकसद ये है कि डिलिबरेटली हम अटेंशन ग्रैब करें और उनका पब्लिसिटी बन जाए, तो वी शुड नॉट डिस्कस हर एट ऑल। आंखें लेकिन बंद हमारा करिए। धर्म इतना इंटॉलरेंट हम नहीं है कि एक एक पिक्चर बना। देखिए हिंदी फिल्मों में भी बहुत कॉमिक तरह से देवता को देवी को दिखाया गया है। आप देख लीजिए गॉड गॉड टू सी ग्रेट हो, एक बहुत ही मॉडर्न फिल्म है जहां पर अमिताभ बच्चन सपोज लिए ना गॉड का रोल अदा कर रहा है। वो भी एक मॉडर्न गॉड का दिखा है जो ब्रिज मेकर है, मैच मेकर है, कॉमिक फैशन में दिखाया जा रहा है। अक्षय कुमार जी ने ओ माई गॉड में एक अवतार गॉड के रूप में दिखाया गया है। ए मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न वर्जन है, आप इसके साथ एग्री नहीं कर सकते। ठीक है, नेवर्थलेस दे हैव गॉट द फ्रीडम टू इमेजिन, ठीक है। क्योंकि गॉड है, मेरा गॉड है, राहुल ईश्वर हमारे जी, अवतार बात है, राहुल ईश्वर भाई है, जी, बहन है, बाबा है, पिता है, माता है, हम ये कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आपको अच्छा नहीं लगे आप मत देखिए, थ्रो इट आउट, देयर इज नो कंट्रोवर्सी एंड यू कैनॉट कंपेयर दिस विद ठीक है व्हाट राहुल नूपुर जी, शर्मा डन।